गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है पिछले लेक्चर में आप जो है राउल्ट के नियम के बारे में पढ़े थे। राउल्ट नियम में आपने धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन देखा था। आज जो है थोड़ी सी ग्राफ की चर्चा करते हैं। राउल्ट नियम व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले वाष्प दाब वक्र। इसमें आप देख रहे हैं कि जो है अगर आदर्श विलयन है तो उसका जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन ग्राफ जो है उसका एक सीधी लाइन होती है। सीधी लाइन ग्राफ जो है कुल दाब के लिए जो ग्राफ खींचा गया है वो एक सीधी लाइन है। ठीक है, तो यह किसके लिए है? आदर्श विलयन के लिए है। ठीक है, आदर्श विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक, लेकिन जो है अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है और वह धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन दिखाता है। आप देखो धनात्मक विचलन, तो राउल्ट नियम व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला वाष्प दाब वक्र, इसमें आप देख रहे हो यह स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक्स ए बराबर वन और एक्स सी बराबर जीरो, मोल प्रभाज और वाष्प दाब में ग्राफ खींचा गया है। मोल प्रभाज और वाष्प दाब में एक्स ए बराबर वन, एक्स सी बराबर जीरो, एक्स ए बराबर जीरो और एक्स सी बराबर वन। तो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें धनात्मक विचलन है, यह आपका स्ट्रेट लाइन है। इससे क्या हो रहा है? प्लस में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, धनात्मक विचलन है। उसी तरह इधर ये वाला ग्राफ देखो, यह स्ट्रेट लाइन है, यह भी जो है ऊपर जा रहा है, मतलब धनात्मक विचलन। और टोटल दाब देखो, टोटल वाष्प दाब में भी क्या है? ऊपर जा रहा है, अर्थात धनात्मक विचलन। यह ग्राफ जो है किसके लिए है? धनात्मक विचलन के लिए। ठीक है, अब आप देखो वाष्प दाब वक्र जो आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, इसमें आप देखो यह स्ट्रेट लाइन है, इससे ग्राफ कहाँ जा रहा है? नीचे आ रहा है, तो यह ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें नीचे जा रहा है। टोटल का ग्राफ आप देखो, टोटल का ग्राफ भी क्या है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यह मूल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच ग्राफ खींचा गया है जिसमें यह ग्राफ ऋणात्मक विचलन को दिखा रहा है। ठीक है ना, और यह ग्राफ आपको धनात्मक विचलन को दिखा रहा है। तो यह दो ग्राफ हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन वाले, और यह ग्राफ आपने देखा था आदर्श विलयन का वाष्प दाब जिसमें ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो यह आपका ग्राफ हो गया। अब आप आगे देखें स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, स्थिर क्वाथी के बारे में। स्थिर क्वाथी क्या होते हैं? तो कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनको आपस में मिला देंगे तो वह स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उनका क्वथनांक क्या होता है? स्थिर हो जाता है। जो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण हैं जिनका द्रव वह वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। ठीक है, ऐसे दो घटकीय मिश्रण है, मतलब दो भाग हैं, इनको जब आपस में मिला देंगे तो वह स्थिर क्वाथी बनाएंगे। ठीक है, और जब दो घटक आपस में मिल जाएंगे तो जिन द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होगा। ठीक है, द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में दोनों में उनका कंपोजिशन क्या होगा? समान होगा, तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे? एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। तो कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ठीक है, जो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। द्रव अवस्था में भी और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है? समान होता है, तथा यह एक स्थिरता पर उबलते हैं। ठीक है ना, ऐसे प्रकरणों में घटकों का प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तो आप देख रहे हो कि दोनों जो हैं द्रव और वाष्प अवस्था में इनका संगठन समान है, तथा यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, एक ही ताप पर दोनों उबल रहे हैं, तब इनको अलग करना आसान नहीं है। प्रभाजी आसवन द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह एक ही ताप पर उबल रहे हैं। तो ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग करना अलग नहीं किया जा सकता है। अब स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी तथा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी दो होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो आप देखो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होते हैं। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी ऐसे विलयन जो एक निश्चित संगठन पर
राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दिखाते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वथि कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो ऐसे विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दिखाते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वथि बनाते हैं। ठीक है, जैसे शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल और जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन प्राप्त होता है उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होती है। एक बार यह संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो कि स्थिर क्वाथी संगठन है द्रव व वाष्प का संगठन समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि 95% एथेनॉल है, 5% इसमें वाटर है, लेकिन उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अब क्या हो गया, वो स्थिर क्वाथी संगठन बना लिए हैं, अब उनको अलग करना संभव नहीं है। ठीक है ना, अब आप देखो अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी क्या होता है, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, तो आपने देखा स्थिर क्वाथी क्या होता है, तो स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, तो स्थिर क्वाथी कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो ऐसे द्विघटनी मिश्रण है जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है तथा यह एक स्थिरता पर उगलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभारी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं जिन्हें न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दिखाते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल और जल का मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन प्राप्त होता है उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होती है। एक बार यह संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो कि स्थिर क्वाथी संगठन है द्रव व वाष्प का संगठन समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण नहीं होता है। अब आप देखो अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी वे विलयन जो राउल्ट नियम से अधिक, वे विलयन जो राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वे विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राउल्ट नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वे विलयन जो राउल्ट नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं वे विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण, ठीक है, इस प्रकार के विलयन बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल और जल का विलयन कैसा मिश्रण कैसे क्या बनाते हैं, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं। इसमें राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इस स्थिर क्वाथी के संगठन में, इस स्थिर क्वाथी के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल, लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल और 32% जल होता है। ठीक है ना, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखा स्थिर क्वाथी भी दो होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन। जो अधिकतम धनात्मक विचलन शो करते हैं वो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी होते हैं और जो राउल्ट नियम से अधिकतम ऋणात्मक विचलन शो करते हैं वह अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी होते हैं। अब आप देखो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में क्या अंतर होता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयनों में अंतर। ठीक है, तो राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन दिखाते हैं और राउल्ट नियम से जो ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहला देखो, धनात्मक विचलन में विलयन का वाष्प दाब व घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा प्रकलित मान से अधिक होते हैं, तभी इसको कहते हैं धनात्मक विचलन। विलयन का वाष्प दाब व घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा प्रकृत मान से अधिक होते हैं। इसमें क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब व घटकों के वाष्प दाबों के मान राउल्ट नियम द्वारा प्रकृत मान से कम होते हैं। ठीक है ना,
इसमें जो है राउल्ट के द्वारा गणना किए गए मान से अधिक होते हैं और इसमें राउल्ट के द्वारा गणना किए गए मान से कम होते हैं। दूसरा अंतर देखो, एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है अतः क्वथनांक न्यूनतम होता है। एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम होता है अतः क्वथनांक निम्नतम होता है। इसमें एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब निम्नतम होता है वह क्वथनांक उच्चतम होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, निश्चित संगठन पर वाष्प दाब अधिकतम होगा, क्वथनांक न्यूनतम होगा, और इसमें निश्चित संगठन पर वाष्प दाब निम्नतम होगा और क्वथनांक उच्चतम होगा। तीसरा अंतर देखें, निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है और यह उच्च तापीय समक्वाथी विलयन बनाता है, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, और इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। विलयन बनने के प्रक्रम में ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है ना। विलयन बनने के प्रक्रम में इसमें ऊष्मा का शोषण होता है, विलयन बनने के प्रक्रम में ऊष्मा निकलती है। डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग निगेटिव होता है या लेस देन जीरो होता है। पांचवा अंतर देखें, विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से अधिक होता है। विलयन का आयतन घटकों के आयतनों के योग से अधिक होता है क्योंकि अंतरा आणविक बल कम हो जाता है, ठीक है ना। विलयन के आयतन घटकों के आयतन के योग से अधिक होता है क्योंकि अंतरा आणविक बल कम हो जाता है। विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से कम होता है क्योंकि अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है, ठीक है। विलयन का आयतन घटकों के आयतन के योग से कम होता है, ठीक है, कम होता है क्योंकि अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यह अंतर है। इसका उदाहरण आप देखो धनात्मक विचलन का, ठीक है, CH3COCH3 प्लस CH2, ठीक है। इसका उदाहरण CHCl3 प्लस CH3COCH3। तो आपने देखा इसमें एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड इसका एग्जाम्पल है और इसमें CHCl3 क्लोरोफार्म और एसीटोन, ठीक है ना। यह आपने देखा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। अब हम एक सवाल देखते हैं राउल्ट के नियम पे, कुल दाब कुल आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, विलयन का कुल दाब कैसे निकालते हैं। अब आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन है मेथेनॉल, ध्यान से देखें आप, मेथेनॉल तथा एथेनॉल 300 केल्विन पर आदर्श विलयन बनाते हैं। मेथेनॉल तथा एथेनॉल 300 केल्विन पर आदर्श विलयन बनाते हैं। 32 ग्राम मेथेनॉल तथा 23 ग्राम एथेनॉल को 300 केल्विन पर मिश्रित करके विलयन बनाया गया है। प्रत्येक घटक का आंशिक दाब तथा विलयन का कुल दाब की गणना कीजिए, ठीक है। तो आप देखें क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया गया है 300 केल्विन पर, ठीक है, मेथेनॉल का आंशिक दाब दिया है। तो आंशिक दाब आप देखो मेथेनॉल का कितना दिया है क्वेश्चन में आप देखें मेथेनॉल का 90 mmHg, ठीक है, 90 mmHg, और आप देख रहे हैं एथेनॉल का आंशिक दाब 51 mmHg, ठीक है। यह हो गया कितने पर, 300 केल्विन पर। अब आप देखो मेथेनॉल का अणुभार कितना होता है, तो मेथेनॉल का अणुभार आप देखो तो CH3OH कैलकुलेट करो तो यह आ जाएगा 32, और एथेनॉल का अणुभार कितना होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो 46, ठीक है। अब आंशिक दाब निकालिए, आंशिक दाब, ठीक है, PS=P0×X, ठीक है, यह आंशिक दाब का फार्मूला हो गया। मेथेनॉल के मोलों की संख्या, क्योंकि आपको एक्स निकालना है, मेथेनॉल के मोलों की संख्या निकालिए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट रखिए मेथेनॉल का जो आप निकाले हैं, ये 1 मोल हो गया। एथेनॉल के मोलों की संख्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट क्वेश्चन में दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाले हैं इसको रखिए, इतना मोल हो गया। अब विलयन में मेथेनॉल का आंशिक दाब,
मिलियन में मेथेनॉल का आंशिक दाब पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स विलायक, ठीक है। मेथेनॉल का निकालना है तो पी नॉट तो हो गया 90 और इंटू एक्स विलायक मोलों की संख्या जिसका निकालना हो और कुल मोलों की संख्या, ठीक है ना, मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो यह मोलों की संख्या मेथेनॉल के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, तो मेथेनॉल के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या रख दिए, इसको सॉल्व कर दिए 60 mm Hg, यह निकल गया आपका। विलयन में एथेनॉल का आंशिक दाब कितना होगा, एथेनॉल का, ठीक है, पी नॉट कितना है 51 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, इसको आपने सॉल्व किया तो यह आ गया आपका 17 mm Hg। अब विलयन का कुल दाब कितना होगा, तो कुल दाब क्या करते हैं ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यह आया है 60 mm Hg, 60 mm Hg और यह 17 mm Hg, दोनों को ऐड कर दिए जो आ गया आपका 77 mm Hg, 77 mm Hg विलयन का कुल दाब निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 300 केल्विन पर, ठीक है ना, एथेनॉल का आंशिक दाब होता है 90 mm Hg और मेथेनॉल का आंशिक दाब होता है 90 mm Hg और एथेनॉल का आंशिक दाब होता है 51 mm Hg, ठीक है। इस आधार पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कुल दाब आपने निकाला है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखें। क्लोरोफार्म और डाइक्लोरोमेथेन के 298 केल्विन पर वाष्प दाब क्रमशः 200 mm Hg और 415 mm Hg है। नंबर फर्स्ट, 298 केल्विन पर 25.5 ग्राम, ठीक है, क्लोरोफार्म तथा 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन मिलाने पर तैयार विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो पहले आपको वाष्प दाब की गणना करना है, जैसे पीछे आप लगाए हैं क्वेश्चन, वाष्प प्रवस्था में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो वाष्प प्रवस्था में मोल प्रभाज भी आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला आप देखें जो सूचना दी गई है उसको लिखें आप, ठीक है। तो क्लोरोफार्म का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया 25.5 ग्राम, क्लोरोफार्म का मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए 119.5 ग्राम पर मोल। तो क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड किए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, मोलों की संख्या निकल गया आपका, ठीक। ठीक इसी तरह से डाइक्लोरोमेथेन का भी सॉल्व कीजिए। डाइक्लोरोमेथेन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम, डाइक्लोरोमेथेन का मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, तो 85 ग्राम पर मोल। अब मोलों की संख्या निकालिए, डाइक्लोरोमेथेन के मोल्स क्या हो गए, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जो है दोनों के निकल गए, क्लोरोफार्म के भी निकल गए, डाइक्लोरोमेथेन के भी निकल गए। अब मोल प्रभाज निकालिए, ठीक है, तो क्लोरोफार्म के मोल प्रभाज, ठीक है, एक्स क्लोरोफार्म का क्या होगा, क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, तो क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, इसको सॉल्व किए 0.312 आ गया, मोल प्रभाज निकल गया। उसी तरह से, ठीक है, आप इसका निकालें डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज, तो डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज तो 1 माइनस जो आया है आपका, उसमें 1 से माइनस करेंगे तो यह आपका निकल गया डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज 0.688, ठीक है। टोटल कितना होगा, तो पी टोटल बराबर, ठीक है, आंशिक दाब जो है क्लोरोफार्म का और आंशिक दाब किसका, डाइक्लोरोमेथेन का। तो आंशिक दाब का फार्मूला आप पढ़े हैं राहुल क्लास से, ठीक है, पी नॉट क्लोरोफार्म इंटू मोल प्रभाज, ठीक है, क्लोरोफार्म का प्लस पी नॉट डाइक्लोरोमेथेन का आ इंटू मोल प्रभाज डाइक्लोरोमेथेन का। वैल्यू पुट करें, पी नॉट, ठीक है, क्लोरोफार्म का 200 है और जो आप मोल प्रभाज निकाले हैं उसको रख दिए, प्लस ये आपका डाइक्लोरोमेथेन का पी नॉट क्वेश्चन था और यह डाइक्लोरोमेथेन का आपका जो मोल प्रभाज आपने निकाला है उसको रख दिया, इसको मल्टीप्लाई किए, इसको मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कीजिए, यह हो गया आपका पी टोटल, कुल आंशिक दाब निकल गया 347.9 mm, ठीक है। अब आ गए आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है, किस प्रवस्था में, वाष्प प्रवस्था में। तो वाष्प प्रवस्था में देखें जो सूचना दिया गया उसको पहले लिख लें,
ठीक है, जो भी सूचना है उसको पहले नोट करें। तो आप देख रहे हो जो दिया था, आंशिक दाब दिया है क्लोरोफार्म का इतना हो गया, आंशिक दाब डाइक्लोरोमेथेन का इतना हो गया, पी टोटल जो आपने निकाला है इतना हो गया। आपको निकालना है वाष्प प्रवस्था में क्लोरोफार्म में मोल प्रभाज। तो वाष्प प्रवस्था में तो इसको वाई लिखें, वाई क्लोरोफार्म इक्वल टू, ठीक है, आंशिक दाब क्लोरोफार्म का बटे पी टोटल। तो आंशिक दाब लिखें क्लोरोफार्म का और पी टोटल डिवाइड करें तो 0.18। वाष्प प्रवस्था में डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज कितना होगा? तो वाष्प प्रवस्था में डाइक्लोरोमेथेन मोल प्रभाज क्या होगा? 1-, ठीक है, 1- कर देंगे क्लोरोफार्म का मोल प्रभाज। तो इस 1 से माइनस करेंगे, जो वैल्यू आपने निकाला है उसको माइनस कर दिए, तो 0.82 निकल गया इसका वाष्प प्रवस्था में डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाष्प प्रवस्था में निकालते हैं, ठीक है, वाई से डिनोट करते हैं इसको और जो इसको एक्स से मोल प्रभाज को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यह जो है आपका क्वेश्चन था जो आपके बुक से था, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया। इसको बार बार जो है वीडियो को आप देखें, समझें, ठीक है, धन्यवाद।